ये जो प्लांट है ये एक फाइकस फैमिली का प्लांट है, और ये प्लांट जो है ये ऊपर यहाँ तक था एक्चुअली। और इसकी जो फेस्टोरांस थी वो देखो इतनी हैवी थी, इतनी हैवी थी। ये मुझे मिली है एज इट इज़ फ्रॉम नर्सरी, नर्सरी से मिली। और मुझे ये एक्चुअली, तो मैंने क्या प्लान बनाया, और ये प्लांट भी मुझे काफ़ी सस्ते में मिल गया, 200 रुपीज़ में मैं ये प्लांट लेके आया था। तो इसकी थोड़ी कंडीशन ख़राब हो गई क्योंकि मैं इसको काफ़ी दूर से ट्रांसपोर्ट करके लाया मेरी पोस्टिंग के चक्कर में। तो ये थोड़ा बीच में फिर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसका थोड़ा हिल भी गया, और ये बट फाइनली ये फिर से सर्वाइव कर गए हैं। अब ये प्लांट का जो मैंने प्लानिंग किया, तो अपने को क्या है, प्लांट को देख के डिज़ाइन करना पड़ता है, इसमें क्या कर सकते हैं, या कौन सा बोनसाई का जो फॉर्मेट है वो इसके लिए फिट रहेगा। तो ये जो प्लांट है ये मैंने बोनसाई के लिए कैस्केड और या सेमी कैस्केड, यदि मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ तो सेम कैस्केड में मिलेगा, यदि फुल रहेगा तो ये फुल कैस्केड भी हो सकता है। तो अब देख सकते हैं इसको थोड़ा बेंड किया जा सकता है, मैंने किया नहीं क्योंकि अभी इसको फाइनल शेप देनी बाकी है। ये जब यहाँ से थोड़ा सा और ग्रोथ करेगा तो यहाँ तक ये पिकअप कर लेगा, उसके बाद में अपन इसका दूसरा काम करेंगे। अब देख सकते हैं कि फर्स्ट ब्रांच इसकी हैवी थी, और ये अपने को कैस्केड या हाफ कैस्केड या फुल कैस्केड बनाने के लिए या सेमी कैस्केड बनाने के लिए काफ़ी थी। तो मैं जो अभी इसका क्या है, इसको और मैं शेप दूंगा आपको, फिर मैं इसका बताऊंगा कि इसमें क्या किया जा सकता है एक्चुअली। इसका अच्छा, यदि गमला हो, लंबा गमला हो, उसके ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, आप देख सकते हैं। और ये मैंने एक बोगनविला का जो एक लेके आया था उसका यहाँ पे मैंने प्लांट किया है, कटिंग नहीं बोल सकते, इसका जड़ से लेके आया हूँ। तो ये भी ग्रोथ करने लग गया है, आप देख सकते हैं इसमें बिट्स, स्मॉल स्मॉल। तो अभी इसको फिर मैं उसके बाद में सेपरेट कर दूंगा और ये अपना वीडियो आ जाएगा।